नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फिल्मी वाणी 2.0 पर, जहां आपको बॉलीवुड से रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलते रहेंगे। सो अगर आप बॉलीवुड टॉपिक्स पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। दोस्तों, राजेश खन्ना साहब ने कहा था कि इज्जतें चाहते सहरते सब कुछ इस दुनिया में रहता नहीं। आज मैं हूँ जहाँ कल कोई और था, ये भी एक दौर है, वो भी एक दौर था। बड़े बड़े सुपरस्टार के करियर में डाउनफॉल आता है, जब सबको यही लगता है कि करियर खत्म, द स्टार इज ओवर। आज शाहरुख खान के लिए लोग यही कहते हैं कि शाहरुख खान का क्रेज खत्म हो चुका है। कुछ फिल्में क्या नहीं चली कि लोग मान बैठे कि शाहरुख खान के इरा का एंड हो गया। 2013 की चेन्नई एक्सप्रेस के बाद से शाहरुख खान की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर वो कमाल नहीं कर पाई जो उनसे या एक सुपरस्टार से एक्सपेक्ट की जाती थी। इस बीच हैप्पी न्यू ईयर, दिलवाले और रईस जैसी फिल्मों को अगर आप सफल फिल्मों की कैटेगरी में रख भी लें तो भी इन फिल्मों से शाहरुख खान के डाउनफॉल को साफ तौर पर देखा जा सकता है। ना कमर्शली इतनी बड़ी सफलता मिली, ना ही क्रिटिकल अक्लेम। इवन चेन्नई एक्सप्रेस के बाद से डिस्ट्रीब्यूटर्स को शाहरुख खान की फिल्मों में घाटा ही होता आया है। इवन दिलवाले और हैप्पी न्यू ईयर जैसी फिल्मों में उन्हीं के फैंस ने उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया। शायद वे अपने सुपरस्टार को ऐसी फिल्मों में देखना नहीं चाहते थे। हर एक्टर का बुरा दौर आता है। राजेश खन्ना साहब का आया था, अमिताभ बच्चन का भी आया था और ये दौर शाहरुख खान का है। सबका बुरा वक्त आता है और वे गलत डिसीजन लेते हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते कि उनका स्टारडम खत्म। इसलिए आज हम शाहरुख खान के करियर पर चर्चा करेंगे, बात करेंगे उनके करियर के गुड एंड बैड एस्पेक्ट्स की। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के साथ बने रहें। शाहरुख खान, इंडियन सिनेमा में अगर बिगेस्ट सुपरस्टार की बात की जाएगी तो राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन के बाद अभी तक सिर्फ इन्हीं का नाम आता है। शाहरुख खान को वो स्टारडम मिला जिसकी लेगेसी अमिताभ बच्चन से होकर आई थी, और अभी तक 2020 में ये साफ तौर पर नहीं कह सकते कि अगला सुपरस्टार कौन है। शाहरुख खान का स्टारडम हमेशा से रहा है और आगे भी रहेगा। इंडस्ट्री के अगर तीनों बड़े खान्स की बात करें तो सलमान खान ने मासेस और आमिर खान ने क्लासेस को अपील किया है, मगर शाहरुख खान को यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस मिली। इंडिया ही नहीं, इंटरनेशनल सबसे ज़्यादा फैन फॉलोइंग इन्हीं की है। भले ही पिछले कुछ समय से फिल्में ना चल रही हों, लेकिन स्टारडम का क्रेज तो वही है। ये डेफिनेटली कमबैक करेंगे। एक आउटसाइडर जो बिना गॉडफादर के इंडस्ट्री में आते ही दीवाना, डर और बाजीगर जैसी फिल्मों से एंटी रोल निभाकर लोगों को स्टंट कर देने वाला ये हीरो कभी हाँ कभी ना और करण अर्जुन जैसी फिल्मों से सफलता का स्वाद चखते हुए महज 3 साल के करियर में इंडस्ट्री के बड़े बड़े सुपरस्टार को मात देकर DDL जैसे सुपरस्टार बन जाता है। और यहाँ से दौर शुरू होता है शाहरुख खान के स्टारडम का। ये शुरुआत थी नए इरा की। शाहरुख खान के लिए दीवानगी साफ तौर पर देखी जाने लगी। यहीं से रोमांटिक फिल्मों का ट्रेंड शुरू हुआ और एक्शन जॉनर फीका पड़ने लगा। परदेश, दिल तो पागल है, दिल से, कुछ कुछ होता है और मोहब्बतें जैसी फिल्मों से रोमांस की नई डेफिनेशन सेट करने वाले शाहरुख खान का क्रेज अपने पीक पर था। रोमांस ही नहीं, स्वदेश, देवदास और पहली जैसी फिल्मों से इन्होंने कुछ अलग किया, जिसके चलते शाहरुख खान को काफी ज्यादा अप्रिसिएट भी किया गया। कल हो ना हो, वीर जारा और कभी अलविदा ना कहना जैसी फिल्मों से शाहरुख खान नंबर 1 सुपरस्टार की पोजीशन बनाए हुए थे, और उस समय तक इस लेवल की सक्सेस किसी भी हीरो के पास नहीं थी। अर्ली 2000 में सनी देओल, सलमान खान, अजय देवगन और अक्षय कुमार जैसे कई एक्टर्स का करियर डगमगा रहा था, जहां एक्सेप्शन के तौर पर आमिर खान अभी भी अपना सक्सेस रेशियो मेंटेन किए हुए थे। रोमांटिक हीरो का टैग पाकर इन्होंने चक दे इंडिया से उन लोगों का मुंह बंद कर दिया जो इन्हें क्रिटिसाइज करते थे। माई नेम इज खान में भी शाहरुख खान ने जबरदस्त काम किया। रोमांस किंग शाहरुख खान ने अपनी फिल्मों में कई एक्सपेरिमेंट किए हैं। एंटी हीरो से हीरो, रोमांटिक हीरो, सीरियस रोल और यहाँ तक कि एक्शन रोल्स में भी इन्हें काफी ज्यादा पसंद किया गया। डर, बाजीगर, कभी हाँ कभी ना, पहली, स्वदेश, चक दे इंडिया और माई नेम इज खान जैसी फिल्मों से इन्होंने प्रूफ किया कि वे किस दर्जे के एक्टर हैं। हालांकि शाहरुख खान को रोमांटिक रोल में देखना किसी ट्रीट से कम नहीं रहा। यही वजह थी कि रब ने बना दी जोड़ी और जब तक है जान जैसी फिल्में हमेशा बनती रहीं। हर फिल्म में शाहरुख खान का आंखों में आंसू लिए जबरदस्त डायलॉग डिलीवरी फैंस को उनका दीवाना बनाती गई। रोमांटिक जॉनर में इतना बड़ा स्टार पहले कभी नहीं हुआ था, मगर अब अंत था रोमांटिक जॉनर का। जिस तरह 90 के दशक के अंत में एक्शन जॉनर फीका पड़ने लगा, उसी तरह अब रोमांटिक फिल्मों का भी ट्रेंड जाता हुआ नजर आ रहा था। इंडस्ट्री में अब कॉम्पिटिशन बढ़ने लगा। ये 2010 के आसपास की बात है। सलमान खान, आमिर खान, अक्षय कुमार, अजय देवगन और रणवीर कपूर जैसे एक्टर्स का करियर बूम पर आने लगा। ऑडियंस भी बदलने लगी और टेस्ट भी चेंज हो रहा था।
ऑडियंस अब धीरे धीरे कंटेंट की ओर शिफ्ट होती जा रही थी। वो जॉनरा जिसके शाहरुख खान बादशाह कहे जाते थे उसकी डिमांड कम होने लगी। साथ ही साथ बढ़ती उम्र के साथ उन्हें उसी तरह के रोल्स में देखना उन्हें एक तरह से एक्सेप्टेंस कम मिलने जैसा था। यहाँ जरूरत थी शाहरुख खान को कुछ अलग करने की। जब तक है जान के बाद उन्होंने अपना जॉनर बदला, आफ्टर ऑल वे हमेशा से एक इंटेलिजेंट एक्टर तो थे ही। 2013 की चेन्नई एक्सप्रेस की सफलता शाहरुख खान को ले गई कॉमेडी जॉनर की तरफ। नो डाउट चेन्नई एक्सप्रेस एक ब्लॉकबस्टर फिल्म थी जहां फिल्म की सफलता का श्रेय शाहरुख खान के साथ साथ रोहित शेट्टी को भी गया क्योंकि उन्होंने फिल्म को बेहतरीन तरीके से पेश किया था। मगर इसके बाद शाहरुख खान ने जिन कॉमेडी फिल्मों का सहारा लिया उन्हें मैं पर्सनली बेस्ट डिसीजन नहीं समझता। हैप्पी न्यू ईयर और दिलवाले जैसी फिल्मों को मैं पर्सनली शाहरुख खान के लेवल की फिल्म नहीं समझता, भले ही वो फिल्में कमर्शली सक्सेसफुल क्यों ना हो। ये वो समय था जब शाहरुख खान को इन रोल्स के लिए क्रिटिसाइज किया जा रहा था। दूसरी ओर आमिर खान को उनकी च्वाइसेस के चलते तारीफ, वहीं सलमान खान मासेस में काफी पॉपुलर होते जा रहे थे। शाहरुख खान साफ तौर पर मिसमैच होते जा रहे थे, लेकिन यहाँ पर भी शाहरुख खान ने अच्छा डिसीजन लिया। उन्होंने नए डायरेक्टर्स को मौका दिया और उनके साथ फिल्में साइन करी। फैन जैसी फिल्म में काम किया जो सब्जेक्ट वाइज बेहतरीन थी, मगर सेकेंड हाफ में फिल्म का एग्जीक्यूशन गलत बैठ गया। नतीजन इस फिल्म को कमर्शियल फेलियर फेस करना पड़ा। गौरी शिंदे के डायरेक्शन में बनी डियर जिंदगी में उनका काम आउटस्टैंडिंग जरूर था, इवन पिछले 5-7 सालों की उनकी बेस्ट परफॉर्मेंस निकल कर आई। हालांकि यहां पर ये सपोर्टिंग रोल में थे। शाहरुख खान ने नेक्स्ट रईस फिल्म को साइन किया जो रिपोर्ट्स की माने तो अब्दुल लतीफ की लाइफ पर बेस्ड थी। पर्सनली मुझे तो ये फिल्म काफ़ी अच्छी लगी, लेकिन क्रिटिक्स ने इस फिल्म की धज्जियाँ उड़ा दी। फिल्म को इतना कमर्शियल बना दिया गया कि फिल्म की निगेटिव पब्लिसिटी हुई, हालांकि ये फिल्म प्रॉफिट कमा पाने में कामयाब रही। इस बीच शाहरुख खान ने डायरेक्टर तो बढ़िया पकड़े। तमाशा, हाईवे और रॉकस्टार फिल्म डायरेक्टर इम्तियाज अली के साथ जब हैरी मेट सेजल फिल्म साइन करी। इम्तियाज अली जो अपनी अलग फिल्म मेकिंग के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने शाहरुख खान के साथ अपने करियर का बिगेस्ट कचरा पेश कर दिया। शाहरुख खान जैसे बड़े एक्टर को लेकर शायद वे अपना विजन ही भूल गए और ये फिल्म बुरी तरह से पिट गई। इसे बैड लक ही कहेंगे। नेक्स्ट तनु वर्स मनु और रांझणा जैसी सफल फिल्म बनाकर आए डायरेक्टर आनंद एल राय की नेक्स्ट फिल्म में शाहरुख खान ने काम करने के लिए हामी भर दिया, जो कि उस समय बहुत बड़ी बात थी। ये आनंद एल राय के करियर की सबसे बड़ी फिल्म थी। फिल्म थी जीरो। फिल्म के डायरेक्टर ने पास्ट में कई सुपरहिट ब्लॉकबस्टर फिल्में दी थी, लेकिन जब शाहरुख खान उनके हीरो बने तो वे फिल्म के साथ जस्टिस नहीं कर पाए। इतने यूनिक सब्जेक्ट पर बेस्ड फिल्म औंधे मुंह गिरी, और जब कन्नड़ा इंडस्ट्री का नया चेहरा जीरो फिल्म को मात दे गया तो सभी ने मान लिया कि शाहरुख खान का स्टारडम खत्म। जीरो फिल्म में शाहरुख खान को खूब क्रिटिसाइज किया गया। ये फिल्म क्रिटिकली और कमर्शली फ्लॉप रही। सो वैसे तो शाहरुख खान ने बड़ा छोटा ना देखते हुए सिर्फ अच्छे डायरेक्टर के साथ काम किया जिनका पिछला सक्सेस रेशियो काफी अच्छा था, लेकिन शाहरुख खान के केस में वे सक्सेस डिलीवर ही नहीं कर पाए। इसे उनका बैड लक ही कहेंगे। साथ ही साथ अब शाहरुख खान को लेकर काफी निगेटिव पब्लिसिटी भी होने लगी थी। शाहरुख खान के करियर में एक चीज और देखा गया कि उन्होंने अपनी किसी भी फिल्म में ना अपना लुक बदला और ना ही कोई ट्रांसफॉर्मेशन किया। जिस समय आमिर खान, ऋतिक रोशन, रणवीर कपूर और इवन शाहिद कपूर जैसे एक्टर अपनी अलग अलग फिल्म में गजब का ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे थे, वहां शाहरुख खान एक ही किरदार में अक्सर नजर आते। जीरो में भी बस उनकी हाइट VFX से कम कर दी गई थी, वही स्टाइल और हेयर स्टाइल। एक रोमांटिक हीरो, एक सुपरस्टार, एक फैन, एक गुंडा, एक एंग्री मैन, किरदार अलग लेकिन लुक वही सेम, टिपिकल शाहरुख खान स्टाइल। इस फैक्टर के चलते शाहरुख खान को एप्रिसिएशन मिलना बंद हो गई। वहीं दूसरी तरफ कई एक्टर्स अपने लुक के चलते वाहवाही बटोरने लगे। जब शाहरुख खान के करियर में डाउनफॉल आया तो वहां कई सुपरस्टार नए आ चुके थे। आमिर खान, सलमान खान, अजय देवगन, अक्षय कुमार और ऋतिक रोशन तो अच्छा कर ही रहे थे, वहीं रणवीर कपूर, रणवीर सिंह और शाहिद कपूर जैसे नए स्टार्स भी आ चुके थे और कॉम्पिटिशन बढ़ चुका था। ये कह सकते हैं कि रोमांटिक जॉनर से लोगों का इंटरेस्ट हटना, नए डायरेक्टर का बैड लक, कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं और इंडस्ट्री में कंपटीशन का बढ़ जाना, यही सब कुछ शाहरुख खान के डाउनफॉल के रीजन रहे। फिलहाल शाहरुख खान ने 2018 से ब्रेक लिया हुआ है और वे किसी न किसी फिल्म से तगड़ी ही वापसी करेंगे। फैंस को उनकी फिल्मों का बेसब्री से इंतजार है और उनका मानना है कि उनका सुपरस्टार जबरदस्त बाउंस बैक करेगा। इस समय शाहरुख खान बड़े डायरेक्टर्स के टच में हैं और फिलहाल कुछ बड़ा ही लेकर आ रहे हैं। इस समय शाहरुख खान पठान और डायरेक्टर एटली की फिल्म को लेकर सुर्खियों में हैं।
लेट्स सी उनकी वापसी कैसी रहती है। तो दोस्तों ये रहा शाहरुख खान पर हमारा एक डेडिकेटेड वीडियो। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। साथ ही साथ आपके पास कोई अच्छा सा टॉपिक हो तो वो भी हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर सजेस्ट करें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।